हेलो फ्रेंड, मैं दीपक उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स। तो फ्रेंड, आज हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं मारिको शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो फ्रेंड, यहां पे आप देख सकते हैं आज के दिन लगभग 2% की गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक यहाँ पर गिरते हुए 523 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड, ये गिरावट कब तक हो सकती है इस पर हम करेंगे चर्चा और आपको बताएंगे फ्रेश एंट्री के लेवल, टारगेट और स्टॉप लॉस। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देखिएगा आपके सामने यहाँ पर जो चार्ट प्रेजेंट किया गया है, यह डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट, यहाँ पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करते हुए आपको शो कर रही है। अब हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे इस स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड का सिनेरियो हमको दिखाई दिया है। ये देखिए, ये जो ब्लू कलर की लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, यह है रेजिस्टेंस लाइन। यहाँ पर आप देखेंगे बैक टू बैक स्टॉक इसको रेजिस्टेंस करता हुआ जा रहा है और ये लाइन नीचे की तरफ जाते जा रही है, ये देखिएगा आप यहाँ पर। लेकिन फाइनली हमने क्या देखा, स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे जरूर आया लेकिन फाइनली यहाँ पर आपको ब्रेकआउट दिखाई दिया है। ये देखिएगा, ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, आप सबसे पहले यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए जो ये रेड कलर की लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये है 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन। यहाँ पर स्टॉक का आपने सपोर्ट देखा, ये देखिएगा स्टॉक ऊपर की तरफ चलता हुआ देखा, फिर से स्टॉक को हमने गिरता हुआ देखा और यहाँ से स्टॉक आपको फिर से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया, ये देखिएगा। और यहाँ पर ऊपर जाने के बाद स्टॉक में होती है गिरावट और ये गिरावट स्टॉक को नीचे गिरा देती है। कहाँ तक की होती है गिरावट, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग लगभग 500 रुपये के आसपास आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल जाती है। फिर से स्टॉक के अंदर तेजी आई। अब आप देखेंगे रेजिस्टेंस लिया स्टॉक ने, फिर से कहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, इस लाइन पर जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए, फिर गिरावट हुई। इस बार जो गिरावट हुई वो 480 रुपये तक स्टॉक को लेकर के गई है और फिर से स्टॉक आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ऊपर की तरफ इस रेजिस्टेंस लाइन पर जाते ही स्टॉक आपको फिर से गिरता हुआ दिखाई दिया और कंसिस्टेंटली स्टॉक यहाँ पर गिरा ही है। यहाँ पर तो बस एक कैंडल की विग ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है लेकिन फाइनली यहाँ पर गिरावट ही होती हुई आपको दिखाई दी है। इस तरह से स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ धीरे धीरे आप देखेंगे स्टॉक कहाँ तक गिर गया, तो नीचे की तरफ लगभग लगभग 465 रुपये तक की आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल गई। ये देखिएगा पूरी तरीके से डाउन में स्टॉक गया और यहाँ से स्टॉक में तेजी आई और जैसे ही तेजी आई तो अब जो रेड कलर की लाइन थी, जो 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, ये देखिएगा। साथ ही में अगर आप देखें तो जो हमारी ट्रेंड लाइन थी यहाँ पर भी ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के साथ गैप क्रिएट होती है और स्टॉक सीधा 550 रुपये तक की तेजी हमें दिखा चुका है और यहाँ से स्टॉक में हो रहा है करेक्शन। तो ये करेक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ था उस ब्रेकआउट का जो आउटपुट मिलना था वो यहाँ पर 550 रुपये पर मिला और यहाँ पर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई है और उसके बाद कंसिस्टेंटली यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आया। अब आप देखेंगे स्टॉक फिर से नीचे की तरफ आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे जहाँ तक है एक बार फिर से स्टॉक 500 रुपए तक आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए रिकमेंड करना चाहूंगा कि अभी फिलहाल आप कोई भी फ्रेश इंटरेस्ट के अंदर ना बनाए। तो फिर यहां पर अभी क्या करें, अभी वेट एंड वॉच कीजिए। यदि 500 रुपए के आसपास आने के बाद स्टॉक में फिर कोई रिवर्सल दिखाई देगा तो डेफिनेटली बाइंग करेंगे। 490 रुपए का मात्र स्टॉप लॉस रख करके मात्र 10 पॉइंट की रिस्क लेंगे। ऊपर की तरफ जो टारगेट है वो 550 रुपए का रख करके हम यहां पर एंट्री करने वाले। तो फिर यहां पर मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको यहां पर करना है। तो यहां पर 500 रुपए के आसपास यदि रिवर्सल दिखे तो एंट्री करेंगे। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस है वो आपका रहेगा 490 रुपए में 10 पॉइंट का, ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा 550 रुपए का। तो ये था हमारा टेक्निकल व्यू मारिको शेयर को लेकर के। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।